नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिकेट लाइन गुरु चैनल के प्री मैच एनालिसिस में और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों आज के प्री मैच एनालिसिस में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होने वाली तीन मैचों की ओडीआई सीरीज के पहले मुकाबले यानी कि फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। दोनों टीम्स के बीच इस सीरीज की शुरुआत आज यानी कि 27 जनवरी से होने जा रही है। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में फर्स्ट ओडीआई मैच होने वाला है मैंगोंग ओवल में 27 जनवरी शाम 4:30 बजे। तो दोस्तों यहाँ की अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो टोटल मैचेस खेले गए हैं 29, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 13 मैचेस जीते हैं, तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं। तो वहीं एक मुकाबला ऐसा रहा था जो कि टाई था। फर्स्ट बैटिंग के एवरेज स्कोर अगर देखें तो वो रहा है 240 का। तो दोस्तों हाईएस्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो वो रहा है इंग्लैंड के नाम 9 विकेट पर 399 का। तो वहीं लोएस्ट स्कोर बनाया है जिम्बाब्वे की टीम ने 10 विकेट्स खोकर 78 का। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिच जो है दोनों ही फर्स्ट बैटिंग हो या फिर सेकंड बैटिंग हो दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि यहां पर ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हेड टू हेड कंपैरिजन पर नजर डाली जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 66 मैचेस दोनों टीम्स के बीच में खेले गए हैं और साउथ अफ्रीका की टीम ने 31 मैचेस जीते हैं, तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने 29 मुकाबले अपने नाम किए हैं। तो वहीं एक मुकाबला ऐसा था जो कि टाई रहा था। लेकिन दोस्तों आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि ये जो सीरीज होने वाली है वो साउथ अफ्रीका के ही घर में होने वाली है। तो दोस्तों यहां पर अगर नजर डाली जाए मैचेस इन साउथ अफ्रीका तो यहां पर 27 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच में। तो यहां पर साउथ अफ्रीका ने जीते थे 18 मैचेस, तो वहीं इंग्लैंड के नाम रहे थे 9 मुकाबले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है उसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों टीम्स ही अपनी जगह पर बहुत ही मजबूत हैं, दोनों टीम्स के प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्म करते हैं चाहे वो बल्लेबाज हों या फिर बॉलर्स। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले साउथ अफ्रीका के उन 11 धुरंधर खिलाड़ियों के बारे में जो कि इंग्लैंड के खिलाफ भिड़ते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों इस लिस्ट में शामिल रहने वाले हैं क्विंटन डी कॉक, टेम्बा बाबूमा, रेसी वैन डर डुसेन, एडन मार्करम, एंड्रिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को जिनसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एंड्रिक नॉर्किया और लुंगी एंगड़ी। तो दोस्तों की प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं कि साउथ अफ्रीका के वो कौन से चुनिंदा खिलाड़ी होने वाले हैं यानी कि की प्लेयर्स जो कि पहले मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो नाम हमने शामिल किया है वो है क्विंटन डी कॉक का, जिन्होंने 135 ओडीआई मैचेस खेले हैं और 5,833 रन्स बनाए हैं, वो भी 96.03 के स्ट्राइक रेट से। इनके बाद दोस्तों रेसी वैन डर डुसेन को हमने शामिल किया है, जिन्होंने कुल 38 मैचेस खेले हैं और 89.92 के स्ट्राइक रेट से 1,525 रन्स बनाए हैं। अगला जो नाम है दोस्तों वो है डेविड मिलर का, जिन्होंने 149 मैचेस खेले हैं और 3,656 रन्स बनाए हैं, वो भी 101.58 के स्ट्राइक रेट से। अगले जो बल्लेबाज हमने शामिल किए हैं दोस्तों वो है एडन मार्करम, जिन्होंने 44 ओडीआई मैचेस खेलते हुए 1,088 रन्स बनाए हैं, वो भी 87.32 के स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों ये वो बल्लेबाज रहने वाले हैं जो कि इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बात की जाए गेंदबाजी की दोस्तों तो यहाँ पर एडन मार्करम जो है वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो कि बल्ले से तो कमाल करते ही है लेकिन गेंदबाजी से भी वो शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको बता दें कि गेंदबाजी करते हुए एडन मार्करम ने 15 इनिंग्स खेली है जिसमें उन्होंने 11 विकेट्स अपने नाम किए हैं और इस दौरान उनका जो इकोनॉमी रेट था वो था 5.43 का। अगला नाम है दोस्तों कगिसो रबाडा का, जिन्होंने 87 ओडीआई मैचेस खेलते हुए 135 विकेट्स अपने नाम किए हैं और इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट था 5.03 का। वेल आपको बता दें कि बल्लेबाजी से भी कगिसो रबाडा ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है और 350 रन अपने नाम किए हैं। इनके बाद है दोस्तों एंड्रिक नॉर्किया, जिन्होंने 17 मैचेस खेले हैं और 28 विकेट्स अपने नाम किए हैं, वो भी 5.72 के स्ट्राइक रेट से। और आखिरी नाम दोस्तों हमने यहां पर शामिल किया है लुंगी एंगड़ी का, जिन्होंने 5.62 के इकोनॉमी रेट से 66 विकेट चटकाए हैं, वो भी 40 मैचेस में। तो दोस्तों ये हो गए साउथ अफ्रीका के की प्लेयर्स। अब बात करें अगर इंग्लैंड की टीम की तो यहाँ पर चलिए पहले आपको बताते हैं 11 खिलाड़ियों के बारे में जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भिड़ते नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी शामिल रहने वाले हैं वो हैं फिलिप सॉल्ट, जेसन रॉय, डेविड मलान, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, मोइन अली, क्रिस वोक्स, सैम करन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर और रेसी टोपली। अब बात करें दोस्तों इंग्लैंड के की प्लेयर्स के बारे में तो यहाँ पर डेविड मलान को हमने सबसे पहले शामिल किया है, जिन्होंने 12 मैचेस खेले हैं और 4
455 रन बनाए हैं। अगला जो नाम है वो है जॉस बटलर का दोस्तों, जिन्होंने 159 मैचेस खेलते हुए 119 के स्ट्राइक रेट से 4275 रन बनाए हैं। अगले बल्लेबाज हैं दोस्तों जेसन रॉय, जिन्होंने 110 रन खेले हैं और 3993 रन बनाए हैं, वो भी 106 के स्ट्राइक रेट से। वेल दोस्तों ये हो गई बल्लेबाजों की बात, अब बात करें इंग्लैंड के गेंदबाजी की, तो यहाँ पर क्रिस वोक्स का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने 108 मैचेस खेलते हुए 157 विकेट्स अपने नाम किए हैं और इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट रहा है 5.46 का। वेल आपको बता दें कि क्रिस वोक्स एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिन्होंने गेंदबाजी से तो कमाल किया ही है लेकिन जरूरत पड़ने पर वो बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आते हैं, और यहाँ पर अगर उनके रन की बात की जाए तो वो रहा है 1322 का। इनके बाद है दोस्तों आदिल राशिद, जिन्होंने 119 मैचेस खेलते हुए 169 विकेट्स अपने नाम किए हैं और इकोनॉमी रेट रहा है इनका 5.64 का। और आखिरी नाम दोस्तों यहां पर हमने शामिल किया है जॉफ्रा आर्चर का, जिन्होंने 17 ओडीआई मैचेस खेलते हुए 4.74 के इकोनॉमी रेट से 30 विकेट अपने नाम किए हैं। यहां पर अब बात आ जाती है कंक्लूजन की, आखिर कौन सी टीम होगी जो कि फर्स्ट ओडीआई मैच जीती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहां पर दोस्तों जैसा कि हेड टू हेड के बारे में हमने आपको बताया, तो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो इंग्लैंड की टीम से आगे है, और होम ग्राउंड पर अगर मैचेस की बात की जाए तो वहां पर भी साउथ अफ्रीका की टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। तो यहां पर जो है फर्स्ट ओडीआई मैच साउथ अफ्रीका की टीम जीती हुई नजर आ सकती है, लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम होगी जो कि इस मुकाबले में जीत का परचम लहराएगी, अपने नाम इस मुकाबले को करेगी, इसका जवाब भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।